हेलो फ्रेंड्स, डॉली शर्मा फ्रॉम डॉली कोचिंग मेथड एन जे भारत डिफेंस एकेडमी ऑल्सो। सबसे पहले बोलूंगी ज्वाइन डिफेंस कोर्स, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कीजिए एनडीए एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए। ये आफ्टर 10th यानी आप 11th अपियरिंग हो तभी आप ज्वाइन कर सकते हो, और एनडीए का एग्जाम भी दे सकते हो आफ्टर 11th। और एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के लिए आपको 12th स्टार्ट करना होगा, 12th पास आउट होना चाहिए। तो अभी मैं निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज बता रही हूँ। इससे पहले जो हम वीडियोस बना चुके हैं वो निकनेम ऑफ इंडियन पर्सनैलिटीज थे, यानी सिंपल पर्सनैलिटी थे। तो मैं और सुमित सर इसे कंबाइन बता रहे हैं। जैसे यहाँ हम जयपुर की बात करते हैं, सर बताइए जयपुर। जयपुर का हम कहते हैं पिंक सिटी, ये तो सबको पता ही है। देखिए, पिंक सिटी के बारे में हम में से सारे लोग जानते हैं और पिंक सिटी जयपुर है। जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी या सन सिटी। ब्लू सिटी या सन सिटी दोनों जोधपुर को बोलते हैं। एंड उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स एंड भोपाल सिटी ऑफ लेक्स। तो देखिए, उदयपुर और भोपाल दोनों सिटी ऑफ लेक्स हैं। अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या बॉस्टन ऑफ इंडिया। ओके, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और बॉस्टन ऑफ इंडिया दोनों कहते हैं। तो आप ये मैनचेस्टर और बॉस्टन जो वर्ड है इनको नेट पर सर्च कीजिएगा, आपको कुछ अलग सी चीजें पता चलेंगी। सूरत डायमंड, सूरत को कहते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, कहते हैं ना तुम्हारा चेहरा हीरे जैसा है। ओह माय गॉड, सूरत डायमंड, सूरत यानी कि डायमंड। और लखनऊ की बात करते हैं तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज सिटी ऑफ नवाब। जी, पहले आप मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को कहते हैं लैंड ऑफ लीची, या फिर इसे स्वीट सिटी भी बोलते हैं और लैंड ऑफ लीची भी बोलते हैं। लीची तो आपको पता ही है, एक बहुत अच्छा फ्रूट है। कानपुर, कानपुर होती है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कानपुर के लिए देखिए, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, नॉट द इंडिया, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। मुंबई, मुंबई को हम कहते हैं सिटी ऑफ सेवन आइलैंड, सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड इज कॉल्ड मुंबई। मैं आपको बोलूंगी जो जीके हम पढ़ा रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। डे बाय डे इसको आप रिकॉल जरूर करिए, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से पढ़ा होगा लेकिन वो जो चीजें जो टू द पॉइंट पढ़ाई जा रही है और कम ड्यूरेशन में वो हम लोग कर रहे हैं। पुणे, पुणे को कहते हैं डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। और नागपुर, नागपुर सबको पता है, नागपुर सबको पता है यानी ऑरेंज सिटी। जलगांव, जलगांव है बनाना सिटी। तो देखिए, बनाना सिटी दो ऑरेंज एक दो फ्रूट से एक साथ है आपके पास। यवतमाल, यवतमाल आपका कॉटन सिटी, कॉटन सिटी। कॉटन सिटी को लेके एक और कंफ्यूजन है लोगों को, गुजरात में, तो वो देखिएगा वो क्या है। नासिक, नासिक है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया इज नासिक। बेंगलुरु, बेंगलुरु है स्पेस सिटी, साइंस सिटी एंड गार्डन सिटी। स्पेस सिटी, गार्डन सिटी एंड साइंस सिटी, बेंगलुरु अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंगलोर, मैंगलोर रोम ऑफ द ईस्ट, रोम ऑफ द ईस्ट इज मैंगलोर। मैसूर, सैंडलवुड सिटी, सैंडलवुड सिटी। तो मैसूर, अगर आपने कभी सैंडल का कुछ सामान खरीदा हो तो उसमें मैसूर नाम जरूर इंडिकेट होता है, ध्यान रखिएगा। कोलकाता, कोलकाता है सिटी ऑफ जॉय। कोची, कोची क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा व्हाट इज या व्हाट बिलोंग टू क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोची किरकोडे, कोझिकोडे है सिटी ऑफ स्पाइसेस, सिटी ऑफ स्पाइसेस। और सिटी ऑफ स्पाइसेस केरला को भी कहते हैं, तो वो थोड़ा देखिएगा किस पॉइंट में डिस्प्यूट है या ये केरला से रिलेटेड है। मदुरई, मदुरई है सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, सिटी ऑफ फेस्टिवल इज मदुरई। चेन्नई, चेन्नई है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का गेटवे। आपने देखा होगा कि जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो चेन्नई में ही उनका पहली बार वो हुआ था, स्वागत हुआ था, वेलकम हुआ था, दैट इज गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर इज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। इससे पहले भी हम एक बार मैनचेस्टर पढ़ चुके हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या फिर बॉस्टन हमने अहमदाबाद को बोला था, और यहाँ पे है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, दैट इज कोयम्बटूर। कोयम्बटूर एक और चीज के लिए भी फेमस है, रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। तो देखिएगा, सोचिएगा वहाँ पर क्या हुआ था। कश्मीर, कश्मीर है मेरा फेवरेट, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, सबका फेवरेट कश्मीर यानी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जमशेदपुर जी टाटा, उन्होंने स्टील सिटी स्टार्ट की थी, तो स्टील सिटी या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, पिट्सबर्ग आप नेट पर सर्च कीजिएगा, पिट्सबर्ग क्या है। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर टेंपल सिटी ऑफ इंडिया, टेंपल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर। कटक,
कटक को सिल्वर सिटी, कटक इज सिल्वर सिटी एंड अब यहाँ जैसलमेर बता दे रही हूँ आपको गोल्डन सिटी। तो देखिए गोल्डन सिटी और सिल्वर सिटी, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद क्वीन सिटी, ट्विन सिटी, तो दोनों ऑब्लिक लगाकर लिखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल एक से होने को ट्विन बोलते हैं। शिलोंग, शिलोंग इज स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट शिलोंग को बोलते हैं। आपको होमवर्क भी प्रोवाइड करें जैसे हमें पता चले कि आप कितने एफर्ट कर रहे हो। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, ये दोनों आप फाइंड आउट कीजिएगा। इसके अलावा फिर से वही चीजें रिकॉल करा रही हूँ आपको कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमने निक नेम्स ऑफ सिटीज पढ़ा है, सिटीज राइट, निक नेम्स ऑफ सिटीज, और ये हम आपको डे बाय डे पढ़ाते हैं। तो अभी तक हम 70% पेपर से ज्यादा कवर कर चुके हैं, यानी अप्रॉक्स 80% पेपर कवर कर चुके हैं जीएस के लिए। तो मैं आपको बोलूंगी मुझे फॉलो कीजिए और एफ पी पर भी फॉलो कीजिए और डॉली कोचिंग मेथड का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत डिफेंस अकेडमी डिफेंस की एक छोटी सी अप्रोच है जिसमें हमें पोटेंशियल्स की जरूरत है, हम उन्हें रिजल्ट में कन्वर्ट करने को रेडी हैं। हम आपके पोटेंशियल्स को रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। आप इस वीक के साथ हमें ज्वाइन करो। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।